हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो हम अपने डेली के इस सेशन में जहाँ कि हम ग्रामेटिकल इरर्स के प्रैक्टिस सेट, लग 15 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट डेली करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी मिरर ऑफ कॉमन इरर, एक जो बुक है अशोक सिन्हा की, उन्हीं के बुक से ये सारे लिए गए हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि SSC, CGL, CHSL, CPO, स्टेनोग्राफर, MTS, CDS, इंडिया एयरफोर्स नेवी, जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है जिस भी एग्जाम में, और वोकैबलरी के बाद जो मेन बेस्ड होता है इंग्लिश के लिए वो होता है ग्रामर के रूल्स। तो ग्रामर के रूल्स कैसे कवर होते हैं, तो कॉमन इरर से किसी भी चैप्टर को पढ़ के उसके कॉमन इरर को सॉल्व करने लगे कि इरर क्या है, तो आप ग्रामर बेस्ड कॉमन एरर्स को अच्छी तरह से कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, उसके साथ डील विथ कर पाएंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं इंग्लिश वेब एकेडमी पे, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारा पांचवा सेट नंबर है, तो शुरू करते हैं पांचवे सेट नंबर के क्वेश्चन 61 से। अब तक हम लोगों ने टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है चार सेटों में, और पांचवे सेट में शुरू करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ही टोल्ड मी दैट ही रोट ए लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर ए सर्टेन रीजन, नो इरर। यह सेंटेंस चार भागों में बटा है, उसमें हमें इरर बताना है कहाँ पे इरर है, और उसके बाद लास्ट में नो इरर भी है। तो सेंटेंस के सबसे फर्स्ट पार्ट को देखें, तो यह नरेशन एक प्रकार से नरेशन का सेंटेंस है, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। यह किस फॉर्म में है, तो यह पास्ट में है। तो बाद वाला सेंटेंस किस फॉर्म में होगा, तो पास्ट परफेक्ट में होगा। यही रूल है नरेशन में, आप सभी जानते हैं, पास्ट परफेक्ट में होगा। लेकिन यहाँ पे यह किस में है, ही रोट, यानी कि यह पास्ट इनडिफिनिट सेंटेंस में है, पास्ट इनडिफिनिट, तो यहाँ पे तो गलत हो गया। यहाँ पे होना चाहिए क्या, पास्ट परफेक्ट, तो इसके हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए ही हैड रिटेन, तब जाके ना यह सेंटेंस करेक्ट होगा। ऐसे तो यह सेंटेंस गलत हो गया, तो इस प्रकार ऑप्शन बी में ही इसमें इरर था इस सेंटेंस में। बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टीचर सेड टू द बॉयज दैट वन आउट टू वर्क हार्ड टू अर्न वन लिविंग, यानी कि यह भी सेंटेंस एक प्रकार से नरेशन का ही सेंटेंस है। यहाँ से देखें तो द टीचर सेड, यहाँ तो बिल्कुल सही है क्योंकि पास्ट फॉर्म में है, तो नेक्स्ट सेंटेंस भी पास्ट में होगा। द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज दैट, ठीक, वन आउट टू वर्क हार्ड, ठीक, टू अर्न वन लिविंग, यहाँ पे सेंटेंस के इस पार्ट को देखे, वन लिविंग, यानी कि इसका हिंदी समझे तो द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी कि शिक्षक बच्चों से कहा दैट वन शुड टू वर्क हार्ड, यानी कि प्रत्येक को प्रत्येक को अच्छी अच्छे मेहनत करने चाहिए, कठिन कार्य करने चाहिए, टू अर्न वंस लिविंग ना, यहाँ पे वंस लिविंग, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, वन के साथ वन लिविंग का यूज नहीं किया जाता है, वंस फिर उसके बाद ही कोई जो यूज किया जाएगा सब्जेक्ट, तो वो यूज किया जाएगा, क्योंकि लिविंग एक जिरंड है, और इस प्रकार से पॉसेसिव केस में बनाने के लिए इसे वंस लिविंग करेंगे, तब जाके यह सेंटेंस करेक्ट होगा, वंस लिविंग। तो ऑप्शन डी में ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन। When I offered him to help, यानी कि मैंने उसे ऑफर किया हेल्प के लिए, which he needed, जिसे उसकी जरूरत थी, he persisted in refusing, so I left him to the fate. सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, सेंटेंस के उसके नेचर को देखा जाता है। यहाँ पे देखे तो सेंटेंस पास्ट है, उसके बाद सेकेंड पार्ट भी पास्ट है, और थर्ड पार्ट भी पास्ट है, सभी सेंटेंस पास्ट में है। तो इस प्रकार से सेंटेंस के स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस के नेचर में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी तरफ से इसे देखते हैं, व्हेन आई ऑफर्ड हिम टू हेल्प, यहाँ पे देखे सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में है, मैंने उसे मदद के लिए ऑफर दिया, तो यहाँ पे हेल्प जो यूज किया गया है वर्ब के लिए नहीं। आप जानते हैं जब भी वर्ब का यूज किया जाता है ऐसे, तो उसके पहले टू का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हेल्प का यूज किया जाया गया है वो नाउन के रूप में एक यूज किया गया है, तो नाउन के पहले से टू को रिमूव कर देंगे, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। व्हेन आई ऑफर्ड हिम हेल्प, मैंने उसे मदद के लिए ऑफर किया, तो यहाँ से टू रिमूव कर देंगे क्योंकि टू वर्ब के आगे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, ही रिमाइंडेड मी दैट सी हैज ऑफर ऑफ ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर, नो इरर।
सबसे पहले ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस के स्ट्रक्चर और नेचर को देखें। यहाँ पे देखें तो ही रिमाइंडेड सेंटेंस या वी टू है, यानी कि सेंटेंस किस फॉर्म में है, सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है। उसके बाद यह भी नरेशन है, आप जानते हैं नरेशन में यदि फर्स्ट क्लॉज पास्ट में होता है तो सेकेंड क्लॉज भी किस में होना चाहिए, वो भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ से देखें ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज, यहाँ तो यह प्रेजेंट फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे ही हैड का यूज कर देंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि हैज नहीं होगा, यह पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना अति आवश्यक है, 100% नेसेसरी है, 100+10% नेसेसरी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार से इसके पार्ट बी में ही रहता, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यहाँ इसमें कहाँ पे एरर है। 65 नंबर क्वेश्चन, यह कह रहा है आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर इफ आई हैड नोन दैट यू आर स्टेइंग हियर टू नाइट, नो एरर। इसमें हमें एरर बताना है। सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर और नेचर, सबसे पहले स्ट्रक्चर प्लस नेचर यही देखा जाता है कॉमन एरर यानी कि ग्रामेटिकल एरर में। तो सेंटेंस को देखें आई वुड हैव, यहाँ तो यह पास्ट फॉर्म में है, आई वुड हैव यू फॉर ए डिनर इफ आई हैड नोन, यानी कि यदि मैं जानता तो हैड नोन, यह भी किस फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। लेकिन इसके पार्ट डी को देखें दैट यू आर स्टेइंग, यहाँ पे कौन सा यूज किया गया है, यहाँ पे यूज किया गया है प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्ड है, आर जानते हैं आर प्रेजेंट है। तो सेंटेंस को एक बार अच्छी तरीके से पढ़े, आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर ए डिनर, मैंने इफ आई हैड नोन दैट यू आर स्टेइंग हेयर टू नाइट, नहीं यह पास्ट फॉर्म में है, यहाँ पे हमें वेयर का यूज करना है नहीं कि आर का, क्योंकि यह टू नाइट यानी कि पिछले जो रात की बात किया जा रहा है, और यहाँ भी पास्ट है, यहाँ भी पास्ट है, यहाँ भी पास्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे वेयर का यूज होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ही एडुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस, नो एरर। जब भी नॉट ओनली किसी सेंटेंस में आ जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो सबसे पहले इस प्रकार के सेंटेंस को, सेंटेंस में हमें नॉट ओनली और बट ऑल्सो के आसपास यूज किए गए वर्ब और नाउन को देखा जाता है। तो जब भी नॉट ओनली का यूज किया जाएगा वो सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है वर्ब के पहले। तो ही इसका अर्थ को यदि हम समझे तो ही एजुकेटेड नॉट ओनली, नहीं ही नॉट ओनली एजुकेटेड हिज नेफ्यू, यानी कि उसने अपने सिर्फ नेफ्यू यानी भतीजे को ही एजुकेटेड नहीं कराया, बट ऑल्सो सेट हिम अप इन ए बिजनेस, उसे बिजनेस में भी स्थापित कर दिया। तो यहाँ पे नॉट ओनली का प्रयोग एजुकेटेड के पहले होगा, इस तरह से नॉट ओनली प्लस एजुकेटेड, हमेशा ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली, नॉट ओनली प्लस यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे, और इसके पहले यदि सब्जेक्ट लगा हो तो। नॉट ओनली का प्रयोग बाद में भी किया जाता है लेकिन वो अदर केस होता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन, वी वेयर स्टिल टॉकिंग अबाउट वाट वी शुड डू वेन वी हर्ड द चिल्ड्रेन शाउटिंग, नो इरर। इस सेंटेंस में हमें बताना है कि कहाँ पे इरर है। तो 67 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले स्ट्रक्चर और नेचर को देखें, स्ट्रक्चर प्लस नेचर, वी वेयर, नेचर कहने का मतलब जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नेचर का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार का वर्ब लगेगा, पास्ट प्रेजेंट ये सब। तो वी वेयर स्टिल टॉकिंग यहाँ तक बिल्कुल सही है, अबाउट वाट वी शुड डू बिल्कुल करेक्ट है, वेन वी हियर्ड यहाँ भी पास्ट है सही है, द चिल्ड्रेन शाउटिंग यहाँ तक तो सेंटेंस सही है, इस सेंटेंस में कहीं कोई इरर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका कौन सा आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन डी नो इरर होगा, ऑप्शन ई सॉरी नो इरर होगा, क्योंकि सेंटेंस में किसी प्रकार से कोई इरर नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एज सुन एज द प्यून रिंग्स, यानी कि जैसे ही बेल को बजाता है प्यून यानी कि चपरासी, द फर्स्ट बेल बजाता है, देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द प्ले ग्राउंड फॉर प्रेयर्स, असेंबल यानी कि एक जगह इकट्ठा होना होता है, एज सुन एज द प्यून रिंग्स, जब भी इस प्रकार से सेंटेंस स्टार्ट हो ध्यान में रखेंगे एज सुन एज, एज सुन एज, उसके बाद यहाँ पे जो यूज किया जाएगा एज सुन एज द प्यून
रिंग्स द फर्स्ट बेल, यहाँ पे देन का यूज एज सून एज के साथ नहीं किया जाता है, इसके बदले हम यहाँ पे कॉमा का यूज कर देंगे तो वो परफेक्ट होगा। यह जो है यह अनावश्यक है, देन का यूज क्या है, अनावश्यक है, इसका यूज मतलब कि झूठ मूठ का यूज किया गया है, गलत नहीं है, गलत इसको यदि हम प्रोनाउंसिएशन में देखें इसमें इसको पढ़ने के लिए तो गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसका योग उपयोग अनावश्यक है, देन का यूज हटा देंगे, देन कॉमा का यूज कर देंगे तब करेक्ट होगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, धुंधराज हैज बिन राइटिंग, यह किस प्रकार का सेंटेंस है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जानते हैंज बिन प्लस V3 लगा, V4 लगा हो तो, धुंधराज हैज बिन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 आवर्स बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड, बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड। इस प्रकार के सेंटेंस को हम अर्थ से पकड़ते हैं। धुंधराज हैज बिन राइटिंग यानी कि धुंधीराज हैज बिन राइटिंग फॉर दैट एसे फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटों से लिखते आ रहा है किसी एसे को, लेकिन ही स्टिल हैज नॉट, अब तक न उसे खत्म नहीं कर पाया अब तक, तो स्टिल का यूज मोस्टली इस प्रकार के सेंटेंस में नहीं किया जाता है, तो सॉरी स्टिल नहीं बल्कि यहाँ पे बॉट का जो यूज है, इस प्रकार के सेंटेंस में ऐसे नहीं कर सकते हैं, जब सेंटेंस को अलग अलग दिखाना होता है तब किया जाता है, तो बट के जगह पे हम किस चीज का यूज कर देंगे, ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड, इसके जगह पे अंत में हम येट का यूज करेंगे, यानी कि अभी तक इसने अब तक नहीं लिख पाया है, यहाँ तो लेकिन नहीं बल्कि यहाँ पे अब तक नहीं लिख पाया, यानी कि समय को दर्शा रहा है ना यह, कि वह लिखते आ रहा है 2 घंटों से लेकिन अब तक उसे नहीं समाप्त कर चुका, तो इसलिए यहाँ पे येट का यूज कर देंगे, येट मतलब कि अभी तक, तो ऑप्शन डी में इसमें ही रहता। 17 नंबर क्वेश्चन को देखें। इफ द टूरिस्ट वुड हैव कम हेयर आई वुड सर्टेनली हैव टेकन देम अराउंड, नो इरर, इसमें हमें बताना है कि कहाँ पे इरर है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कैसा सेंटेंस कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें कि एक कंडीशन लगा होता है और दूसरे प्रकार के सेंटेंस को हम यूज करते हैं, तो जिसमें कंडीशन लगा होता हो, जैसे कि इफ लगा हो, इस प्रकार इस सेंटेंस में इफ यहाँ कंडीशन लगा हो, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, तो यहाँ पे हैड का यूज कर देंगे, आई वुड सर्टेनली हैव टेकन देम अराउंड, तब जाके यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ही इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस आपने नहीं पढ़ा होगा, तो हमने पढ़ाया, कंडीशनल सेंटेंस में 3 रूल हैं, एक विल और प्रेजेंट वाला, फ्यूचर प्रेजेंट वाला, एक पास्ट वाला और एक इमेजिनरी सेंटेंस, यानी कि यदि मैं पक्षी होता तो उड़ के तुम्हारे पास आता, इस प्रकार के सेंटेंस में। तो कंडीशनल जिस भी सेंटेंस के आगे लगा हो उसे हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम हैड का यूज कर देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन, एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया, नो इरर, इसमें हमें बताना है कि कहाँ पे इरर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के वही नेचर और प्लस स्ट्रक्चर देखें। नेचर यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एवरीवन सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है, बिल्कुल सही है। एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यहाँ पे होना बिल्कुल करेक्ट है। द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी कि कह रहा है कि सभी इस बात से सहमत है कि गंगा इज द होलीएस्ट, यानी गंगा सबसे पवित्र नदियों में से एक है, ऑफ ऑल अदर नदियों में से ना, यहाँ जो इसका कंपेरिजन दर्शा रहा है गंगा का होली होना, यह कंपेरिजन किस से दर्शा रहा है, यह रिवर से दर्शा रहा है कि वह और सभी नदियों से जो है वो होलीएस्ट है, यानी कि अदर का प्रयोग यहाँ पे अनावश्यक है, अदर का यूज हटा देंगे, तो रिवर्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, और इस प्रकार से ऑप्शन सी में ही रहा था। 72 नंबर क्वेश्चन को देखें। नो मैन इन आवर कंट्री इज एज रिच एज ही इज, नो इरर, यह भी कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, और इसमें हमें बताना है कि कहाँ पे इरर है। नो मैन इन आवर कंट्री इज एज रिच एज ही इज, यानी कि तो यहाँ पे देखें तो नो अदर मैन, यहाँ पे जब भी कंपेयर दर्शाया जाएगा कंपेरेटिव,
यानी कि कंपेयर दर्शा रहा है नो अदर मैन, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे देश में इज एज रिच एज ही इज, यानी कि वह जितना धनी है उससे उसके तुलना में दूसरा कोई धनी नहीं है। तो यहाँ पे अदर का यूज करेंगे मैन से पहले, तब जाके करेक्ट होगा। तो अब बढ़ते हैं आज के 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टोटल 75 है, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन है। द टीचर रिमार्क्ड वेरी, 73 नंबर क्वेश्चन को यहाँ से देखे ध्यान से। द टीचर रिमार्क्ड वेरी एंग्रीली यस्टरडे दैट द बॉयज हैव दैट द बॉयज हैव ऑल डन इट वेरी बैडली। सेंटेंस के स्ट्रक्चर और नेचर को देखें। टीचर रिमार्क, यह कैसा सेंटेंस है? यह पास्ट फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे भी लगा है, लेकिन दैट द बॉयज हैव का यूज यहाँ पे किया गया है। क्या यह सही हैव का यूज यहाँ पे, क्योंकि यह सेंटेंस जो है पास्ट में है। आप जानते हैं सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट में हो तो दूसरा भी पास्ट में होता है, तो हैव के जगह हैड का यूज करेंगे, यह पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन। हैव यू टर्न्ड डिटेक्टिव दैट यू कीप योर योर आईज ऑन मी लाइक दिस। इस सेंटेंस में हमें बताना है कि कहाँ पे इरर है। तो इस सेंटेंस में देखें तो हैव यू टर्न्ड डिटेक्टिव, यहाँ यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो हैव यू टर्न्ड डिटेक्टिव यहाँ तक सही है। दैट यू कीप प्रेजेंट में है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट में सही है। दैट यू कीप योर आईज ऑन मी लाइक दिस, तो यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें नो इरर होगा क्योंकि इसमें कहीं कोई किसी प्रकार से इरर नहीं है। अब आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। सी आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज दैट मेड हिम सो मच स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन, नो इरर। इसमें हमें बताना है कि कहाँ पे इरर है और किस पार्ट में इरर है। सी आस्क्ड हिम, यह अभी पास्ट फॉर्म है और नरेशन का ही है। व्हाट इट वाज द मेड हिम सो मच स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन। तो इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़े तो जब भी यह कंपेरेटिव दर्शा रहा है, कंपेयर दर्शा रहा है किसके बीच, सो मच स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन। यहाँ पे एनी नहीं बल्कि अदर मैन का यूज किया जाएगा, एनी के बाद सॉरी यहाँ पे अदर का यूज किया जाता है। जब भी कंपेयर दर्शाया जाएगा तो एनी अदर, यानी किसी दूसरे से तो तुलना किया जाएगा ना, किसी का उसका जो सी है इसका किससे तुलना किया जाएगा, एनी अदर किसी दूसरे से। तो इस प्रकार से यह टोटल 75 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट हुए, यानी कि इस सेट में 15 क्वेश्चन। और आप डेली द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूटोरियल वोकैब्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको डेली इसका PDF मिल जाता है इस फॉर्मेट में जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सारे जो PDFs हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट PDFs जो कि फ्री में अवेलेबल है, जैसे कि SSC CGL 2020 Tier 1 वोकैबलरी जो अभी एंसर के रिलीज किया गया है, जिसके सभी साइनोनिम्स एडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम्स है, ये भी टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम पे जाके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से मंथली PDF, मंथली द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी अगस्त मंथ का भी आ चुका है, वह भी टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यह पेड PDF है लेकिन इस मंथ के लिए यह फ्री में दिया गया है। उसके बाद एडियम्स एंड फ्रेजेज आप चाहते हैं, एडियम्स एंड फ्रेजेज, तो यह भी टोटल जो है 500 वर्ड्स हैं इसमें एडियम्स एंड फ्रेजेज, और ये सारे द हिंदू एडिटोरियल के हैं, जनवरी से जुलाई तक का। इसे आप 21 रुपये में परचेज कर सकते हैं एट ए मिनिमम कॉस्ट, काफ़ी लो कॉस्ट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब एग्जाम के स्टडी के लिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। सो थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।